शिवराज सिंह का मामा एक सौ दो में चल रहा एक सौ दो, दो में चल रहा यहां चूतिया बनाने के लिए किसानों के आए हैं दस सौ कुंटल हाँ। कहाँ दे पाएंगे भी <laughs> है वह कि घर के लड़का गोही चाटे मामा, मामा खाया माव उनका ड्रामा है पूरी जनता जानती है उनको ये पैतृक हुईगा जिंदगी भर का हो गया जब से जाने शिवराज सिंह वैसे भिख मंगा हो गया है नमस्कार मैं हूं अनुपा मनूख आप देख रहे हैं द दा खबरदार न्यूज़ और रेगाव विधानसभा के अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं भटगमा में और ये भटगमा का मंदिर परिसर है यहाँ पर हमारे साथ कई वरिष्ठ जन हैं और इनसे इस ज़मीन की सियासत की खबर अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने वाले हैं हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो सियासी मुकाम रहा है उन्नीस में इस जगह को विधानसभा के तौर पर अधिकृत किया गया तब से यहाँ पर लगभग छः बार बीजेपी प्रत्याशी चुनाई चुनाव विजयी हुए हैं दो बार कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं लेकिन उसके बावजूद जब हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि रह गाँव वास्तव में गांव ही रह गया इसी विधानसभा क्षेत्र में एक भी नगर परिषद मौजूद नहीं है यहाँ पर स्टेडियम के नाम पर जो है तो बंजर जमीन है जहाँ पर ना तो बाउंड्री है ना तो मैदान है जहाँ पर गाय घास चरती हैं और उसी स्टेडियम के जस्ट कुछ दूरी पर स्थित ये गांव है भटगमा। इस गांव के क्या हालात हैं? और चुनाव होने की वजह से विधायक या सांसद चुने जाने की वजह से इस गांव को क्या हासिल हुआ है इस चीज की चर्चा हम करने वाले हैं तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी वरिष्ठ जनों का और गुरु जी आपका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे हाँ राम प्रसाद पांडे उम्र कितनी है आपकी काफी उम्र एक सौ दो है एक सौ दो में चल रहा हूँ एक सौ दो में चल रहा हूँ छिहत्तर एक... का मेरा जन्म है जी विक्रम का मेरा जन्म जी तो एक दो में चल रहा हूं। चल रहा रहा है जी तो काफी वरिष्ठ जन हमारे साथ हैं हम जानना चाहते हैं जब उन्नीस में इस विधानसभा को जो तो अधिकृत किया गया नागौद में पहले ये आता था आ? उसके बाद जब ये बना तो कई बार यहाँ पर बागरी जी जुगल किशोर बागरी विधायक रहे और लगातार रहे तो उनके विधायक रहने से क्या फर्क पड़ा इस क्षेत्र को? कोई तो? फर्क नहीं पड़ा क्या कई बार फर्क पड़ा है तो बाला फर्क डाला जी फिर तो बाला, विधायक था कांग्रेस का जी वो सर ने फर्क डाला हमारे यहाँ से नहर बनवा दिया था अच्छा पहली बात उस, उसी उसी ने किया है जितना काम किया है बाकी कोई विधायक नहीं किए हाँ आज तक उसके बावजूद फिर छह बार क्यों जीत गए ये जुगल की जीते जी के बारे में कुछ संख्या ज्यादा उनकी रही कुछ अच्छा, आदमी यहाँ के पटे रहे इसलिए जीत गए जाति समीकरण इस विधानसभा समी क्षेत्र में किस हद तक प्रभावी है प्रभावी प्रभाव, प्रभाव नहीं नहीं है है जाति उसके बावजूद ये जो पूरा क्षेत्र है तो एक आरक्षित क्षेत्र आता है ऐसी आरक्षित ये सीट है हर बार ये पैतृक हुईगा जिंदगी भर का हो गया जब से जाने जी तो यहाँ में कोई इंटरेस्ट नहीं आए यहाँ वार्ड तो यहाँ कोई इंटरेस्टे नहीं यहाँ तहसील सब कह जाते चुनाव के समय पर कुछ नहीं हो अब तो कॉलेज खुल रहा है थाना बन रहा है पर जब हो तब ना चुनाव कॉलेज के बारे में बात की कॉलेज के बारे में हमने जब गांवों में बात की कुछ गांव में तो पता चला कॉलेज तो तीन बार यहाँ खुल चुका फुला का कह रहे नहीं क्या होता है चल के लिए बेड भी दस दस बेड और लग जाएंगे हाँ। तो लग रहे हैं कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ एरिया में कुछ नहीं हुआ ना शिवराज सिंह चौहान बार बार आते हैं कभी कॉलेज हैं तो कह रहे हैं कि किसानों से लेकर कि जमीन हर जनों को आदिवासियों को दी जाएगी और जमीन जो सरकारी हो दी जाएगी आप लोग तो वो तो उनका ड्रामा है पूरी जनता जानती है उनको आपका शुभ नाम मेरा नाम है गुलाब सिंह तो ये बताइए अभी कृषि मंत्री आए हुए हैं यहीं पास में ही रहेगा आप लोग आप आप लोग भी किसान हैं आप लोग बताइए रैली में नहीं गए हम नहीं गए तो तो यहाँ तो से लाग क्या लाग मतलब जहाँ हम अनसन में बैठे हैं तो वहाँ तो मंजूर नहीं हो रहा ना वो काला कानून न एम एस पी और यहाँ पर ये क्या करेंगे यहाँ चूतिया बनाने के लिए किसानों के आए हैं किसान को कोई लाभ नहीं इधर वो चुनाव आ गया तो जो नहीं जानते उनको बता देंगे कि तुमको ऐसा हम करेंगे बेनिफिट बेनिफिट होगा होगा वो बाकी वो घूमते रहे एक आप किसान आंदोलन के समर्थक हैं तरीके से कह सकते हैं हाँ समर्थक है पर हाँ, पर किसान आंदोलन के हम समर्थक हैं तो एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब किसान आंदोलन की बात आती है तो राजनेताओं के द्वारा एक बात कही जाती है कि कितने किसान हैं जो सिंधु बॉर्डर पर गाजियाबाद पे वहाँ बैठे हुए हैं टिकरी बार्डर पर बैठे हुए हैं उससे ज्यादा जो अधिक संख्या में है वो तो गांवों में खेती कर रहे हैं लेकिन जो यहाँ पर अभी रैली हो रही है वो रैली की जा रही है किसान सम्मान और किसानों को संबोधित करने का कार्यक्रम है लेकिन उस कार्यक्रम में हम जब गए तो बमुश्किल चालीस से पचास लोग या सौ से डेढ़ सौ लोग सारे कार्यकर्ता मिला कर के हैं तो फिर और किसान हैं कहाँ किसान वही जो अंसर में है बाकी किसान है छोटे मोटे खर्च दे ना पाएंगे अपने काम में लगे हुए हैं बाकी ये सब राजनीतिक ये किसान चाहे जितने किसान खड़े कर लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसान किसान है चाहे किसी भी प्रांत का हो तो सब देखता है जो ये अंबानी हमको दे रहे हैं सब सपोर्ट किसान को ये बताइए चपरासी की डेढ़ सौ गुना तनख्वाह बढ़ गई है लेकिन किसान की कितनी है सत्ताईस रुपये डेली पड़ती है यूरिया आपके डी ए पी सब बढ़ गए लागत यदि लेबर भी लगाएं तो साढ़े तीन सौ चार सौ रुपये लेता है किसान स्वयं मज़दूरी करता है तो उसको घर की तो स्वयं तीस रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ता लेकिन एक चीज़ आप ये जो बात कर रहे हैं वास्तव में वो एक ज़मीनी हकीकत है जब भी हम किसान को देखते हैं या दिमाग में हमारे किसान शब्द आता है तो एक ही चीज़ आती है कि ज़मीन फटी हुई है माथे पे पसीना सिसक रहा है और कपड़े भी नहीं है शरीर में एक अगौछा लगा हुआ है ये स्थिति कब बदलेगी और कौन बदल सकता है एक चपरासी है वो भी डेढ़ सौ गुना तनख्वाह हो गई है सबसे शोषण है किसान का जी। किसान ना मरने में है ना जीने में है जी। यदि वो गवर्नमेंट से लोन भी लेता है तो चुका भी नहीं पाता जी। यहाँ तक कि उसकी कुल डिग्री की, की नौमत आ जाती है तो इस समय मजबूर है नंबर एक जी। किसान हुआ। और एक सवाल और है, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते है, जि, है। जिसके तहत ये डेढ़ सौ गुना चपरासी की नौकरी की वेतन बढ़ गई करीब तीन सौ गुना शिक्षकों की वेतन बढ़ गई और हर क्षेत्र को जब एवरेज करते हैं, तो एक सौ उन्नीस गुना जो वेतन है सभी की बढ़ चुकी है।, बढ़ चुकी है लेकिन किसान जो 1976 के दौर पे दो-तीन बोरे गेहूं ले जाकर के एक तोला सोना ले लेता था लेकिन आज तीस बोरे के बाद भी वो नहीं ले पाता है अगर हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स का यहाँ पर हवाला दें तो एक क्विंटल गेहूं की जो कीमत होती हो लगभग 7600 रुपए होती है आज आप लोगों की जो समर्थन मूल्य है वो अठारह उन्नीस सौ रुपए के करीब अठारह से उन्नीस सौ के बीच झूलता रहता है तो क्या है लेकिन ये खर्च देना लेना ये, आपका ये हो गया दुनियादारी ब्लैक मार्केट जाके और नहीं तो वही चीज हम अठारह से उन्नीस के बीच झूलता है।, है तो आपको क्या लगता है कि देश में इतने सारे किसान हैं इतनी सारी उपज हो रही है क्या जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित करना संभव है देश में अभी हमें तो नहीं लगता कि संभव होगा किसान की कोई सुनते कहाँ है नहीं किसान की अगर सुनता भी है उस मान लीजिए सुनी जाती उस स्थिति में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपके गेहूं के छिहत्तर सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमत दे पाना इस देश के लिए संभव है ये एक सरकारी सवाल नहीं हो करके छिहत्तर सौ कुंटल हाँ कहाँ दे पाएंगे <laughs> तो वही तो स्वामीनाथन आयोग अगर लागू किया जाता है कहाँ दे पाएंगे शिवराज सिंह वैसे भिख मंगा हो गया है वच्छा, वच्छा। अब इसके बाद चुनाव तो कर ले वो नवंबर दिसंबर में हजार रूपया देने का कहा था कहाँ दी नहीं वो तो बकवास है कहाँ दी नीचे चटता है वह बता कहा करा लेता जब तक काम नहीं करना वैसा है कि घर के लड़का गोही चाटे मामा खाए मामा शिवराज सिंह आए मामा अब जनता है गोही चाटा वाला लड़का भाई नहीं।, भाई नहीं भाई नहीं शिवराज सिंह ये बोलते हुए है हैं कि जो तो सब भांजे भांजी हैं और आपकी ये जो कहावत है तो बिल्कुल वही हो जाती है सार्थक हो जाती है कि घर के लड़का गोही चाटे मामा खाया मामा तो भांजे भांजी जल है शिवराज सिंह की और ये चीज़ आप बताइए कि जैसे भांजे और भांजियों की बात होती है देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं मोदी जी ने कहा कि हमने सबको सिलेंडर दिलवा दिया सबके घर में शौचालय बन गए देश 100 परसेंट शौच मुक्त हो चुका है स्वच्छ भारत हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे गांव हैं ऐसे जहां पर शौचालय नहीं बने हैं आपके घर में लग आपके गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग शौचालय में शौच के लिए जाते हैं हम, हमें लगता है कि ट्वेंटी पच्चीस परसेंट जाते हैं 25 परसेंट जाते हैं बाकी सब मैदानों में जाते हैं बना कितने लोग के घर में होगा बना होगी चालीस परसेंट बना और ज़्यादा ज़्यादा। सबके यहाँ बना भी नहीं है आपका भी नाम जानना आपका भी नाम जानना चाहिए जा। अरे हमारे बताइए भाई आजादा बताइए आप लोगों को भी किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है हमको नहीं मिला कुछ कोई नहीं मिला। सरपंच कौन है आपके गांव के गोरेलाल बागरी तो ये बताइए कि आखिर आपके वर्ग में भी बहुत सारे लोग गरीब होंगे बहुत सारे लोग देखिए वर्ग किसी भी व्यक्ति की गरीबी अमीरी या उसके स्तर की पहचान तो हो नहीं सकती है तो उसके बावजूद जो है तो आप लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलता कुछ नहीं मिला। क्या कारण हो सकता है तो थोड़ी से तुम्हारा कहे कह रहे हैं घर गिर रहे हैं सरपंच सब खा रहे कुछ देते नहीं है कगजन में सब आ जाते और क्या कह जा, कहा जाता है सेक्रेटरी सरपंच के द्वारा कहते हैं कि आएगा नंबर आए लगा है नंबर आएगा सबका नंबर लगा है आएगा अब पता नहीं कब आएगा पता, कब आए पता कब आए नहीं कब आएगा जब आएगा